हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी फूड रेसिपीज। तो आज की मेरी रेसिपी है फ्रेंड्स पटल पोस्तू। पटल पोस्तू एक बंगाली डिश है, ये बंगाल की फेमस रेसिपी है और बंगाली इसे बहुत पसंद करते हैं खाना। तो आइए आज हम इसे आपको बनाकर दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने 250 पटल और 250 आलू ले लिया है। इसे मैं छील कर काट लेती हूँ। पटल कोफ्तू बनाने के लिए हमें जो सामग्री लगेगी वो मैंने ले लिया है। ये देखिए, कोफ्तू, हरी मिर्च 5 फोड़न और 2 सूखी मिर्च और नमक। हमें बस इतने ही चीज़ों की ज़रूरत है इसे बनाने के लिए। इसलिए मैं मसालों का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि इसमें मसाले नहीं डलते। ये देखिए, मैंने पटल और आलू को काट लिया है और अब मैं कोफ्तू को पीस लेती हूँ। इसे आप चाहे तो इसमें सूखी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें नहीं डालूंगी। और अब मैं इसे सिलवट्टे पर ही पीसूंगी। ये सिलवट्टे पर पीसने से ये ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, तो आप भी सिलवट्टे पर पीसें। मैंने पोस्तू को पीस कर तैयार कर लिया है और अब मैं आपको इसे बनाकर दिखाती हूँ। देखिए, कढ़ाई पर मैंने तेल डाल दिया है और ये गर्म हो चुकी है। तो अब मैं इसमें फोड़न डाल देती हूँ। आप इसे 1 मिनट तक चलाएं। आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकती हैं, लेकिन मैं आज वेजिटेरियन खाना बना रही हूँ इसलिए मैंने प्याज को अवॉइड किया है। देखिए, ये भून चुकी है। अब मैं पटल और आलू को इसमें डाल देती हूँ। आप इसे इस तरह चला लें और अब मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। ये देखिए, मैंने इसमें 1.5 चम्मच नमक डाला है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डालें। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, मैं इसे 5 मिनट तक इसी तरह भूनूंगी। इसमें कोई भी मसाला मैं यूज़ नहीं करूँगी। अगर मैं इसमें मसाला डालूँगी तो कोफ्तू का टेस्ट ख़राब हो जाएगा, तो आप भी इसमें मसाला ना डालें। इसे 5 मिनट तक भूनें। फ्रेंड्स, मैंने इसे 5 मिनट तक भून लिया है और अब मैं इसमें पानी डाल देती हूँ। तो आप जब भी सब्ज़ी में पानी डालें तो गर्म पानी ही यूज करें, ठंडा पानी ना डालें। गर्म पानी डालने से सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप भी गर्म पानी ही डालें। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए और ढक के पकाऊंगी। तो इसे मैं 5 मिनट के लिए पकने छोड़ देती हूँ। मैंने इसे 5 मिनट तक पका लिया है। देखिए, आलू गल चुकी है और अब मैं इसमें पोस्तू डाल देती हूँ जिसे मैंने पीस के रखा हुआ था। और इसमें कुछ पोस्तू लगी हुई थी तो मैंने उसे भी डाल दिया। और अब मैं इसे चला लेती हूँ। तो पोस्तू डालकर आप इसे ज़्यादा ना पकाएं, वरना पोस्तू का टेस्ट ख़राब हो जाती है। इसीलिए आप इसे इस तरह से मिला लें और गैस को बंद कर दें। उसके बाद इसे 5 मिनट तक ढक कर छोड़ दें। मेरी
होटल आलू पोस्ट बनकर तैयार है। आप भी इसे घर पर जरूर ट्राई करें, ये आपको जरूर पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।